गोरखपुर मुख्यालय के दक्षिणांचल में भाऊपार स्थित मुंजेश्वर नाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को शिव मंदिर में दर्शन के उपरांत मुंजेश्वर नाथ शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 6,24,00,000 रुपए की योजनाओं का शिलान्यास एवं 100 करोड़ रुपए की 34 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि सड़क पर चलने से पहले हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाएं, साथ ही कार के शीशों में काली फिल्म लगाकर ना चलें। सीएम योगी ने कहा कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क के सभी नियमों का पालन जरूर करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास में सरकार और प्रशासन के साथ यदि कहीं भी सरकारी कार्यों की गुणवत्ता में कमी दिखे तो उसे तत्काल शासन और प्रशासन के संज्ञान में लाया जाए ताकि कार्यों में अच्छी गुणवत्ता के साथ पाई पाई का सदुपयोग हो सके। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि धार्मिक स्थल आस्था के साथ राष्ट्रीय एकात्मवाद के भी प्रतीक हैं। हर एक विधानसभा में 2 धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े धार्मिक स्थल हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारत महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शासन की सभी योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के गरीबों तक पहुँचाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि अमित शाह के नेतृत्व में पारदर्शिता और विकास की राजनीति को गति दी है। उनके नेतृत्व में बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर में पटरी व्यवसायों के पुनर्वास के लिए नगर निगम GDA और प्रशासन के द्वारा वृहद कार्य योजना बनाई गई है। इसके लिए गोरखपुर जनपद में करीब 9,000 पटरी व्यवसायियों को चिन्हित किया गया है, साथ ही पटरी व्यवसायी के लिए सरकार द्वारा पेंशन की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 4,00,000 पटरी व्यवसायियों का व्यवस्थित पुनर्वास किया जाएगा ताकि उनके जीवन में भी खुशहाली आ सके। हनुमान जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, ये सबरा शख में दोबारा 15 शुरुआत करेगी और जेट भाग्य बर्फ खत्म, यानी फल से शुरू जानवर पे खत्म और हिंदी
इस क्षेत्र की और इस पवित्र स्थल की सुंदरीकरण की व्यापक कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके, इस उद्देश्य आज 6,23,55,000 रुपए की लागत से इस परियोजना को आज यहाँ पर हमने शुभारंभ कर दिया है। इस योजना में आरसीसी रिटेनिंग वॉल, तालाब के चारों तरफ सेटिंग बेंचेज का निर्माण, सोलर लाइटिंग, हाई मार्क्स लाइटिंग, लैंडस्केपिंग, टूरिस्ट सेंटर यानी जो यात्री विश्रामालय यहाँ बनना है, इसके साथ ही कॉन्सेप्ट डिस मेन गेट, वाटर क्योक्स और शौचालयों का निर्माण के साथ ही यहाँ पर इंटरलॉकिंग पाथवे, साइनेज, पार्किंग एरिया के साथ साथ बाहर जो बड़े पेड़ हैं इनके चारों तरफ भी चबूतरा निर्माण का कार्य इस प्रस्ताव के माध्यम से यहाँ पर संपन्न होगा। हमारे लिए ये सभी धर्म स्थल केवल एक आस्था के ही केंद्र नहीं, आस्था तो हमारी है ही, आस्था के साथ साथ हम सब की एकात्मता के आधार भी हैं और अंततः राष्ट्रीय एकात्मता के भी आधार पवित्र स्थल है। पूरा समाज इस प्रकार के पावन स्थलों पर एकत्र होकर के न केवल यहां से ऊर्जा प्राप्त करता है अपितु अपनी एका के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी एक नया संबल प्रदान करता है। बाबा मंजेश्वरनाथ मंदिर में विकास की योजनाएं समय समय पर चली, लेकिन समग्रता के साथ विकास हो सके इसके बारे में कार्य योजना बनाने की आवश्यकता थी और आज मुझे इस कार्य का शुभारंभ करते हुए अतीव प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस क्षेत्र में बाबा मंजेश्वरनाथ जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले आप सभी श्रद्धालुजनों के प्रति इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी ने और यहाँ के जो ग्राम प्रधानगण हैं, इस क्षेत्र के अन्य ग्राम प्रधानगण हैं, इन सभी लोगों ने समय समय पर एक प्रस्ताव मेरे सामने लाने का प्रयास किया था। एक प्रयास का परिणाम बेहतर ही होता है और उसका परिणाम इस रूप में, अच्छे रूप में हम सबको देखने को मिला है। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की जो ढेर सारी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं में सबसे अच्छी स्थिति जो विभिन्न क्षेत्रों में है, जो विकास के साथ साथ रोजगार के सृजन का भी बड़ा माध्यम बनता है, उसमें इस प्रकार के पावन स्थल उसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। पर्यटन विकास के माध्यम से रोजगार सृजन की व्यवस्था और रोजगार के माध्यम से समाज के बड़े तबके को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ाने का प्रयास, और मुझे प्रसन्नता है ये रुझान न केवल सरकार के अंदर है, अभी तो आज निजी संस्थाएं भी इस क्षेत्र में आगे आकर के विकास की योजनाओं को एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। इस वर्ष के प्रारंभ में हमें कुंभ का भव्य आयोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ था प्रयागराज की धरती पर। अब तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ा है भीड़ ने। इस बार के कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था की डुबकी संगम तट पर पवित्र गंगा नदी में लगाते हैं। अच्छी व्यवस्था सरकार ने भी की और जनता ने भी सहयोग करके इन कार्यक्रमों को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया और आज उसका परिणाम है कि पर्यटन के मानचित्र पर भारत एक बार पुनः नंबर एक स्थान पर प्राप्त आगे बढ़ने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पर्यटन विकास के भी बोर्ड गठित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है।
ये बोर्ड उन धर्म स्थलों के समग्र विकास के लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, चाहे वह मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बहुदेव, इन सभी तीर्थ स्थलों के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद के गठन का हो, या फिर अयोध्या, काशी, या फिर प्रयागराज में कुंभ का आयोजन, ये सब एक ही दूसरे कड़ी के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। और इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक धर्म स्थल को, और किसी भी मत, मजहब और संप्रदाय से क्यों न जुड़ा हो, जो ख्याति प्राप्त ऐसा स्थल है, पहले चरण में उसके सुंदरीकरण की कार्य योजना बना करके आने वाले श्रद्धालुओं को आस्था का सम्मान देते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे ही, लेकिन इसके माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देकर के अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करने का भी कार्य करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आज मुंजेश्वरनाथ मंदिर में इस पवित्र कार्य को हम लोगों को करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही लगभग 102 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न प्रकार के मार्गों के पुनरुद्धार, उनके नवीनीकरण या नवीन सड़कों को निर्माण करने की जो कार्रवाई यहाँ पर संपन्न हुई है, इसमें बहुतायत सहजनवा विधानसभा सीट से है। और इसीलिए मैं इस अवसर पर सहजनवा के नागरिकों को भी हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि इन योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। भाइयों बहनों, परियोजनाओं को केवल स्वीकृत करना ही यह असली कार्य नहीं है, समाज की सहभागिता के साथ जितना पैसा जिस परियोजना के लिए स्वीकृत है, उस पैसे के पाई पाई का हिसाब लगा करके हम मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए अगर विकास के कार्य को संपन्न कर देते हैं, तो यह न केवल आम जन की सुविधा के लिए उपयोगी होता है, अभी तो इस प्रकार के कार्यक्रम आने वाले समय में आम जन के विश्वास को बनाए रखने में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और इसलिए विकास में स्वीकृति के बाद की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से लागू हो सके, विकास की योजनाओं में किसी प्रकार का सेंध ना लगने पाए, सरकार और प्रशासन के साथ साथ आम जन को भी इसके प्रति जागरूक होना चाहिए और समय समय पर अपने पत्र व्यवहार के माध्यम से शासन प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित करना चाहिए कि फलानी जगह ये कार्य हो रहा है, कार्य की मानक ठीक नहीं, फलानी जगह ये कार्य हो रहा है, कार्य अच्छा हो रहा है, जहां अच्छा हो रहा है उसकी तारीफ करिए, लेकिन जहां पर कार्य खराब हो रहा है एक बार उसे टोक करके प्रशासन को और शासन को इन बातों से अवगत कराने की आवश्यकता है। क्योंकि जो पैसा आज स्वीकृत तो हो रहा है, ये पैसा बार बार तो नहीं मिलेगा, और इसलिए हम सब की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज यहां पर बाबा मुंजेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा के दरबार में कुछ कार्य करने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, केंद्र और प्रदेश सरकार लोक कल्याण के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। दोनों सरकारों की कार्य पद्धति विकास परक है, गरीब के प्रति संवेदना युक्त है, आम जन को सुरक्षा मिलनी चाहिए इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन इसमें आम जन की सहभागिता अगर इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ जाए तो कई गुना सफलता हम सबको देखने को मिलती है। और मुझे लगता है हम लोगों ने विगत समय में 2 वर्ष के दौरान 25 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराए, 1,60,00,000 परिवारों को जिनके पास अपना शौचालय नहीं था उन्हें एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य किया, 1,31,00,000 परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, 1,18,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने की कार्रवाई जहां प्रारंभ हुई है, वहीं साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी व्यवस्था की कि जो लोग इस योजना से अब तक वंचित रहे हैं
उन सभी लोगों के लिए भी हम लोग एक नई योजना 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा की कवर की ला सके और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना उसका एक माध्यम बना है। हम सबकी भी बड़ी भूमिका है, आप में से प्रत्येक व्यक्ति की बड़ी भूमिका हो सकती है। समाज के और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की जिस नए अभियान के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य प्रारंभ हुआ है, हम सबको इसके बारे में अवश्य देखना चाहिए कि उन भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए जो विकास परक हो, लोक कल्याणकारी हो, राष्ट्र कल्याणकारी हो, और उन भावनाओं को सम्मान करते हुए ही हम लोग एक न केवल सशक्त और समर्थ भारत बनाएंगे अपितु एक सुदृढ़ लोकतंत्र की नींव भारत के अंदर रखने के साथ ही दुनिया को भी इन योजनाओं के माध्यम से भारत की उपलब्धियों के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज यहां पर लगभग 102 से अधिक करोड़ की सड़कों का लोकार्पण का भी कार्य हो रहा है। अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छी सड़कें बने यह अत्यंत आवश्यक है और उन अच्छी सड़कों को बनाने के ही क्रम में आज हम लोगों ने जो लगभग 102 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें सहजनवा विधानसभा की और गोरखपुर ग्रामीण की यहां पर आज पूर्ण हुई हैं, उनका लोकार्पण का भी कार्यक्रम इसके साथ ही यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं आपके अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि अभी इससे पहले मैं नौसण में था। नौसण में आप याद करिए आज से 15 साल 20 साल 30 साल पहले बस स्टैंड हुआ करता था। पिछली सरकारों ने उस बस स्टैंड को हटा दिया था, कुछ भूमाफिया वहां कब्जा कर लिए थे। हमने फिर से उस बस स्टैंड को स्थापित किया है। अब आप मान करके चलिए कि वाराणसी और लखनऊ की तरफ से आने वाली बसें उस स्टैंड पर आकर के यात्रियों को सुविधा तो प्रदान करेंगी ही, लेकिन साथ साथ हम जन सुविधाओं को और बेहतर करने में सफल होंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कुछ ही समय के बाद हम लोग गोरखपुर समेत प्रदेश के 10 महानगरों में इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं, यानी बिजली की बस सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी और ट्रैफिक के नियमों की जानकारी हमारे छात्र छात्राओं को आवश्यक है। सड़क दुर्घटना में कितनी मौतें हो रही है और अक्सर मैं देखता हूं कि छोटी छोटी बातों को लोग कभी ध्यान नहीं दे पाते। खासतौर पर क्या, आप बाइक में जा रहे हैं, पुलिस का कोई अधिकारी आपसे, कर्मचारी या कोई पुलिस कर्मी आपसे कहता है हेलमेट लगाइए, तो आप हेलमेट लगाने के बजाय उससे उलझने लगते हैं। यह हेलमेट पुलिस की सुरक्षा के लिए नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। गाड़ी की फोर व्हीलर में आप आगे की सीट में बैठते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते। फोर व्हीलर में जा रहे हैं उस पर काली फिल्म लगाए हुए हैं। ये ट्रैफिक के सामान्य नियमों का उल्लंघन है। हम लोगों ने आज नौसर में बनिया बस स्टेशन दे दिया और हमारा प्रयास है कि वाराणसी और लखनऊ के लिए बस सेवा नौसर से प्रारंभ हो। नौसर से प्रारंभ होने का मतलब विकास अब शहर से गांव की तरफ आ रहा है। उस बस स्टेशन के माध्यम से यात्रियों की सुविधा के साथ साथ जो बसें जो आएंगी उनके लिए भी बेहतर व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में हम अलग अलग स्थानों पर जो बस स्टैंड बनाए उस बस स्टेशन का उपयोग यात्री सुविधाओं के साथ साथ उन सुविधाओं की उन सुविधाओं को में बढ़ोतरी करने, और हमारा एक प्रयास रहेगा कि यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के साथ साथ वहां पर एक बेहतर व्यवस्था हम दे सके। नगरीय क्षेत्रों में आप देखते होंगे जाम, दिन भर जाम लगा रहता है, इस जाम से मुक्ति मिलनी चाहिए। समय की कीमत को हमें पहचानना चाहिए और जाम से मुक्ति के लिए आवश्यक है कि शहर के बाहरी क्षेत्रों में बस स्टेशन हो। नौसल में जमीन ढूंढी गई
ये पहले से ही परिवहन विभाग के पास जमीन थी, हमने पिछले वर्ष उसके लिए पैसा स्वीकृत कराया, आज वो कार्य पूरा हो गया। आज हमने कह दिया कि भाई अब लखनऊ और वाराणसी के लिए बस सेवा यहीं से प्रारंभ करवाइए। से बाबा विश्वनाथ जी को जलाभिषेक करने के लिए भी आप में से अधिकांश लोग आए होंगे, लेकिन विकास के प्रति एक रुझान एक अच्छा संकेत है, और विकास बिना भेदभाव के, सबका साथ सबका विकास, इस अवधारणा पर आधारित होना चाहिए, और सबका साथ और सबके विकास की आज के इस अवसर पर आप सबको एक बार पुनः बाबा मुंजेश्वरनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्य का शुभारंभ करने, 102 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सड़कों का लोकार्पण करने और साथ साथ बाबा मुंजेश्वरनाथ मंदिर के सुंदरीकरण परियोजना को आज यहां पर शुभारंभ करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आप सबको यह विकास एक नई प्रेरणा प्रकाश का केंद्र बने, यहाँ के युवाओं के रोजगार के सृजन का माध्यम बने, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि विकास की प्रक्रिया के साथ इस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।